हेलो बच्चों, अब हम आ गए 9th एक्सरसाइज की 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या होता है। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। एक स्टैचू है, उसकी हाइट दे रखी है हमें और वो पेडेस्टल पे खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है स्टैचू से ग्राउंड पे, वो 60 डिग्री दे रखा है। यानी कि स्टैचू, ये पहले पेडेस्टल हो गया, ए बी हमारा पेडेस्टल हो गया, उसके ऊपर स्टैचू है वो खड़ा हुआ है 1.6 मीटर का, और उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। उसके बाद कह रहा है वह फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल की टॉप से जो ग्राउंड पे एलिवेशन ऑफ एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। यानी कि ये वाला ए बी डी का जो एंगल है वो 45 डिग्री बन रहा है और ए सी डी का जो एंगल है वो 60 डिग्री बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। देख लेते हैं आप, पहले हम लेंगे ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी हमने लिया, 45 डिग्री है। क्या लेंगे हम, देखो अब इसके अंदर हमारे को ना तो परपेंडिकुलर पता है ना हमें बेस पता है। तो अब हम लेते हैं पहले टेन 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि ए बी अपॉन में ए डी। टेन 45 डिग्री क्या है, 1 होता है। तो अब ये इधर जाके ए डी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए डी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया। देखो ए बी अपॉन में ए डी था, टेन 45 डिग्री की 1 की वैल्यू आई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ और ए डी ए बी के इक्वल हो गया। यहाँ तक समझ आया। अब हम लेंगे ट्राइंगल ए सी डी। ए सी डी, ए सी डी ट्राइंगल में हमारा परपेंडिकुलर और बेस लेंगे टेन 60 डिग्री पे। परपेंडिकुलर और बेस क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा ए सी। ए सी क्या है, ए बी प्लस बी सी, इन दोनों को मिला के। अब ए बी तो हमें फाइंड आउट करना और बी सी हमें पता है 1.6 मीटर है ना, और ए डी जो है वो ए बी के बराबर है। अगर हम ए डी लिखे या ए बी लिखे सेम बात होगी ना, इसलिए हमने यहाँ पे ए डी की जगह ए बी लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे आप ये दे सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए डी, इसलिए हमने यहाँ पे ए डी की जगह ए बी लिख लिया। ए डी की जगह हमने ए बी क्यों लिखा, ताकि हमारे को एक की वैल्यू पता चल जाए, है ना। एक ए बी की वैल्यू पता चल जाए, हमें किसी भी एक की वैल्यू पता चल जाएगी। अब हमें पता है ए बी और ए डी इक्वल है, तो अगर ए डी की वैल्यू पता चल गई तो ए बी की भी पता चल जाएगी, ए बी की पता चल गई तो ए डी की भी पता चल गई, क्योंकि वो सेम है। तो अब हम इसको इसके अकॉर्डिंग रखेंगे। टेन 60 डिग्री क्या होता है, रूट थ्री। अब ए बी प्लस 1.6 अपॉन में ए बी हो गया, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये यहाँ पे आके रूट थ्री ए बी हो जाएगा और ये ए बी प्लस 1.6। अब इस वाले ए बी को हम इधर ले आएंगे, रूट थ्री ए बी माइनस ए बी इज इक्वल टू 1.6। अब ए बी दोनों में कॉमन है, तो इसको ए बी को हम बाहर निकाल लेंगे, रूट थ्री माइनस 1 कर लेंगे। तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, 1.6 अपॉन में रूट थ्री माइनस 1। इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे रूट थ्री प्लस 1 से, इसे मल्टीप्लाई करा तो हमारा 1.6 रूट थ्री प्लस 1 हो गया। अब a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो वो वाला फार्मूला हम अप्लाई कर लेंगे, रूट थ्री का स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर। रूट थ्री का स्क्वेयर होने से क्या हो जाएगा, ये 3 बन जाएगा और ये माइनस 1, 1 का स्क्वेयर 1 ही रहता है, तो ये 2 बन जाएगा। अब 2 को हम इससे काट देंगे, 0.8 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.8 रूट थ्री प्लस 1 मीटर। यानी कि ए बी की जो वैल्यू आ गई है पेडेस्टल की, वो आ गई हमारी 0.8 रूट थ्री प्लस 1 मीटर। ओके बच्चों।